आप सभी लोगों का कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्य प्रेम की कथा के डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई। सो गाइस, द मच नीडेड जंप फॉर सत्य प्रेम की कथा इज फाइनली सीन ऑन द सैटरडे। Hey guys, सत्य प्रेम की कथा deserves all the love and attention from the audience. ये फिल्म वो हाइप जो है वो definitely डिजर्व करती है। क्योंकि guys, इस फिल्म का इंटरवल पॉइंट बहुत जबरदस्त है। ये फिल्म जिस तरह से सेकेंड हाफ में मेच्योरिटी लेती है, स्पेशली इसके कैरेक्टर्स जो है ये और ज्यादा ऑडियंस जो है डिजर्व करती है। आई थिंक डेफिनेटली सैटरडे के बाद कल संडे जो है इसको एक मच बिगर एंड लार्जर ऑडियंस जो है वो देखने के लिए आएगी। एंड एक अच्छा खासा रिस्पेक्टेबल टोटल जो है अपने 4 दिनों के वीकेंड में वो पोस्ट करेगी। आने वाले समय में कोई बड़ी फिल्म रिलीज ना होना इसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। ये फिल्म सिर्फ फर्स्ट वीक ही नहीं बल्कि सेकेंड वीक में भी चलते हुए दिखाई देगी। नंबर 1। नंबर 2, द रेन इज प्लेइंग अ मेजर स्पॉइल स्पॉट फॉर सत्य प्रेमी कथा। कल जब मैंने ये कहा कि यू नो क्यों ये फिल्म यू नो अहमदाबाद एंड गुजरात में इतना अच्छा नहीं चल रही है डिस्पाइट यू नो द लैंग्वेज ऑफ द फिल्म बीइंग मोस्टली इन गुजराती, वहां का कल्चर दिखाया गया है, इट्स द हैवी रेन्स गाइस, यू कैन नॉट इग्नोर इट। बारिश अच्छी खासी हो रही है, स्पेशली मुंबई में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो ये भी फैक्टर जो है इस फिल्म को यहाँ पर इफेक्ट करेंगे। ऑल सेड एंड डन, बहाने नहीं दूंगा यहाँ पर गाइस, ये फिल्म को उसकी ऑडियंस डेफिनेटली मिल रही है डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स। चलिए आज का एपिसोड जो है वो आगे बढ़ाते हैं। डे नंबर 1 9.25 करोड़, डे नंबर 2 हमारा प्रेडिक्शन था कि फिल्म कहीं ना कहीं 7 से लेकर 7.25 करोड़ कमाएगी एंड द फिल्म्स ऑफिशियल कलेक्शन इज 7 करोड़। इसी के साथ 25% ड्रॉप लेते हुए फ्रॉम डे नंबर 1 जो कि बकरी ईद थी, डे नंबर 2 ने कमाया है एंड 2 दिनों में फिल्म ने 16.25 करोड़ की कमाई जो है कर ली है। ओवरसीज के ऑफिशियल कलेक्शंस जो है वो कहीं पर भी नहीं आए हैं, तो उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द ओवरसीज कलेक्शंस। बात करते हैं डे नंबर 3 की। आज कैसे भी फिल्म को यहां पर 10 करोड़ के ऊपर कलेक्शन जो है वो करने ही करने थे। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 11% की थी, आफ्टरनून 20 एंड इवनिंग ऑक्यूपेंसी इज 26%, यानी कि जंप्स जो है वो यहां पर देखने के लिए मिले। शो काउंट डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर 887 से 895, यानी कि शो काउंट में भी हमको बढ़ोतरी जो है वो देखने के लिए मिली। एंड कल 14% था, 28% ऑक्यूपेंसी है, यानी कि द ऑक्यूपेंसी टू का डबल जंप हुआ है। मुंबई 795 था, अब 792, 3 शोज कम हुए लेकिन ऑक्यूपेंसी 13 से 32 हुई। पुणे 306 शोज में 38%, बेंगलुरु 226 शोज में 41%, हैदराबाद 208 शोज में 33, यानी कि सभी जगहों पर ऑक्यूपेंसी अच्छी खासा 25, 30, इवन 40% की ग्रोथ देखने मिली है यहाँ पर। कोलकाता 270 शोज में 25% ऑक्यूपेंसी, पर लुक एट अहमदाबाद, दिस फिल्म शुड डू अमेजिंग बिजनेस इन अहमदाबाद। शो काउंट देखिए 421 से 447 कर दिया है एंड ऑक्यूपेंसी टुडे थैंकफुली इज 18%। कल 11 था, चेन्नई 47 शोज में 73% ऑक्यूपेंसी, सुपर्ब। लखनऊ 224 शोज में 16% एंड सूरत में भी शोज बढ़ा दिए हैं, 251 से 260 शोज में यहां पर थैंकफुली डबल डिजिट ऑक्यूपेंसी है 11% की। तो फिल्म जो है आज कहीं ना कहीं 30% का जो है वो जंप दिखा रही है कल के कलेक्शंस के अकॉर्डिंगली। एंड माय प्रेडिक्शन फॉर सत्य प्रेम की कथा ऑन इट्स थर्ड डे, ये फिल्म थर्सडे रिलीज हुई थी, वो है 10 से लेकर 10.25 करोड़। आज के जमाने में कोई भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एनी गिवन डे, एक रोमांटिक फिल्म जिसके गाने अच्छे हैं वो 10 करोड़ कमाती है कोई भी दिन, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। एंड गाइज यहाँ पर विदाउट द 1+1 टिकट ड्रामा यहाँ पर अगर 10 करोड़ कमाती है, एंड गाइज ये फिल्म कहीं ना कहीं 3 दिनों में 26.25 यानी कि 26.25 करोड़ कमाई जो है वो यहां पर कर लेगी। अब गाइज सैटरडे आप सभी लोगों को पता है रात किस तरह से रहती है, ऑक्यूपेंसीज में जंप देखने मिलता है, तो अगर रात को ये 30% के ऊपर की ऑक्यूपेंसी लेता है देन गाइज वी माइट सी सैटरडेज कलेक्शन गोइंग टू 10.50 करोड़। अब गाइज ऑल इंपॉर्टेंट संडे है, वो कल है, कल इस फिल्म को
कैसे भी यहाँ पर 12 करोड़ के ऊपर ही कमाई करनी, जो कि डेफिनेटली करेगा, लेकिन अगर दिस फिल्म फ्लर्ट्स विद एटलीस्ट 13 या 13.50 करोड़, देन वी कैन सी अ सॉलिड 38 to 39 करोड़ का वीकेंड, जो कि इस फिल्म के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। फिर जो पहला दिन होगा, क्या वो थर्सडे से कंपेयर होगा? नहीं, थर्सडे वॉज एन हॉलीडे, हम फ्राइडे से कंपेयर करेंगे। फ्राइडे इसका आया था 7 करोड़ रुपया, एंड अगर ये फिल्म यहां पर मंडे को 4 या 4.5 करोड़ भी कमाती है, गेम ऑन, सत्य प्रेमी कथा यहां पर चिपक चुकी है, एंड ऑडियंस डेफिनेटली इसको सेकेंड वीक में भी प्यार देगी, एंड ये फिल्म अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पर चलेगी। सो मच के एपिसोड सभी लोगों को समझ में आया होगा। देखे गए जितनी भी डेट्स हैं, टीजर डेट्स हैं, रिलीज डेट्स हैं, वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, जैसे होगा मैं वीडियो डेफिनेटली जरूर बनाऊंगा। स्मैमरन साई साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।